अब संजीव भसीन भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। बैंक्स के लिए तो वाकई तेजी खत्म ही नहीं हो रही। मिड कैप पीएसयू बैंक्स, आप भी कई बार इस पर बात करते थे, और सुबह एक जो व्यू आपका निकल के आया कि मेटल्स पर शायद अभी कोई मोमेंटम ना दिखे, क्योंकि ट्रिगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस वक्त नहीं रह गया जब ग्लोबल प्राइसेस मेल्टडाउन हो गया, तो अभी इस वक्त नजर कहाँ होनी चाहिए? हाँ प्रियंका जी, तो देखिए आपको यूनियन बैंक 38-40-35 सब जब भाव में दिलाया था और 75 का टारगेट दिया था। अब डोंट बी ग्रीडी, 75 का टारगेट हो चुका है, बुक योर प्रॉफिट, 76 का न्यू हाई है एंड गेट इन टू बेटर नेम विच आई थिंक कैन आउट परफॉर्म। दो नाम है, आपको और अपडेट दे दू, पिछले हफ्ते मैंने आपको एस्कॉर्ट दिया था, आपको इंडियन होटल कहा था, आपको IEX कहा था, एक्सिस बैंक और PNB सारे आज आउट परफॉर्मर है। अब आपके लिए दो दिग्गज नाम है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल एब्सोल्युटली संजीव जी, ग्रीडी तो नहीं होना चाहिए, पर जिस तरह के वॉल्यूम्स इन बैंक्स पे दिख रहे हैं और जो इनकी चाल है लगातार बनी हुई है, आज भी यूनियन बैंक में 4 करोड़ का वॉल्यूम है, बट ठीक है, प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है। बताएं अपनी आज की पिक्स। प्रियंका जी, अगर 40-42 का लिया है तो ऑलमोस्ट 80% रिटर्न है, तो टेक होम, लीव सम ऑन द टेबल फॉर द अदर्स, बट डोंट गेट समथिंग। अब आपके लिए दो बाइज है, द बिगेस्ट प्लेयर्स HDFC बैंक, 1595-1600 में लीजिए, 1570 का स्टॉप लॉस, 1675 की क्लियरिंग कटेगी 3 दिन बाद। और HDFC द पेरेंट 2620 में लीजिए, 2570 का स्टॉप लॉस, 2690 का स्टॉप टारगेट आपको दिख जाएगा इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। दीज आर द टू इंडेक्स स्टॉक्स विच आर बीन द मूविंग फैक्टर एंड फ्रॉम टुमारो दे विल स्टार्ट द अपसाइड फॉर द निफ्टी टू गो बैक टू 18400।